जोहार नमस्कार, आप देख रहे थे जोहार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी खूंटी के बिरसा कॉलेज का फुटबॉल हॉकी स्टेडियम में हूं और यहां आप काफ़ी संख्या में भीड़ देख पा रहे होंगे। हम इस भीड़ के बारे में आपको बता दें कि ये भीड़ कोई मामूली भीड़ नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर आज खूंटी जिले के दो विधानसभा क्षेत्र, जिसमें कि खूंटी विधानसभा क्षेत्र और तोरपा विधानसभा क्षेत्र के तहत मतदान कराने के लिए गए हुए वो पदाधिकारी हैं जो मतदान कराकर वापस लौटे हैं, उनकी भीड़ है। सभी लोग यहां ईवीएम को सुरक्षित लेकर पहुंचे हैं और अब ईवीएम को जमा कराने का प्रक्रिया चल रहा है। खूंटी जिले के दो विधानसभा क्षेत्र तोरपा और खूंटी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर वोटिंग कराने के लिए गए हुए थे। इसमें भारी संख्या में सुरक्षा बल, अब जिसमें कि CRPF, CISF, BSF, कोबरा बटालियन सहित झारखंड पुलिस के जवान मौजूद हैं सुरक्षा टीम में, और उसके अलावे प्रेजिडिंग ऑफिसर के जो टीम है उनकी टीम में भी कई जो सभी लोग आज अपने टीम के साथ वोटिंग कराकर वापस लौटे हैं और अब ईवीएम को यहां स्ट्रांग रूम में जमा कराने का जो है प्रक्रिया चल रहा है। हम एक बार दिखाते हैं, एक बार दिखा दीजिए इधर, इस तरफ जो है ये विधानसभा क्षेत्र खूंटी का है और उस तरफ जो है इसके ठीक बाएँ तरफ जो है वो तोरपा विधानसभा क्षेत्र के लिए स्टॉल लगाया गया है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सभी मतदान कर्मी और सुरक्षा बल मतदान कराकर वापस लौटे हैं और अब ईवीएम को जमा कराने का यहाँ जो है प्रक्रिया शुरू हो गया है। तो इसी ग्राउंड से हमने आपको दिखाया था लोकसभा चुनाव 2024 का पूरा जानकारी हम उपलब्ध कराए थे और हमने यहाँ का जो है नज़ारा दिखाया था आपको कि किस तरह से विधि व्यवस्था है और किस तरह से जो है मतदान कर्मी मतदान कराकर यहाँ वापस लौटे हैं। इस प्रकार की पूरी जानकारी हमने आपको उपलब्ध कराया था और फिर से आज हमें मौका मिला है विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर कि इसी ग्राउंड से मैं आपको खबर दिखाऊँ। यहाँ जो है EVM जमा कराने को लेकर अभी प्रक्रिया चल रही है। इसी ग्राउंड से इस तरफ दिखा देते हैं, ये जो है आप बिरसा कॉलेज का एक बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ जो है काउंटिंग होगा, मतों की गिनती होगी और फिर उस दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। हालांकि ये जो है प्रथम चरण यानी फर्स्ट फेज का आज मतदान हुआ, जिसमें कि लगभग आधा झारखंड में, आप कहिए ऐसे ठेठ भाषा में कह सकते हैं कि लगभग आधे झारखंड में आज वोटिंग हुई और उसमें जो है आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया गया। हालाँकि झारखंड के एक दो जगह से ऐसा खबर आया जो कि कुछ चुनाव जो संपन्न कराया गया इसके मद्देनज़र अगर देखें आप तो वो सही नहीं था, लेकिन फिर भी घटना कहीं कहीं हो ही जाती है। लेकिन खूंटी ज़िले में जो दोनों विधानसभा क्षेत्र है, खूंटी विधानसभा क्षेत्र और तोरपा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सम्पन्न हुई, यहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ और अब आगे की प्रक्रिया भी सम्पन्न कराई जा रही है। तो चलिए हम मिलेंगे इसी ग्राउंड से आगामी 23 नवंबर को और फिर उस दिन यहाँ से परिणाम घोषित होगी कि कौन और किस विधानसभा क्षेत्र से कौन जीत रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।